है वो 3 दिनों के अंदर दो घटना वहाँ पर घटा, एक में 5 और फिर अगले में करीब 14 लोगों की बहुत मृत्यु होगी, जो बहुत अफसोसजनक है, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो हमने भी संपर्क किया है जिला प्रशासन से, तो डिप्टी कमिश्नर धनबाद ने अपने दो ऑर्डर से एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दिया है जो इसके घटना का पूरा कारण में हम लोग इस रिपोर्ट को दाखिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे म्यूनिसिपल बॉडीज़ पूरे राज्य में अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनके तहत जो मैप सैंक्शन होते हैं और जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उस अर्बन विभाग को जो है उसमें एक एफिडेविट हम लोग को करना है ये बताते हुए कि क्या हमारे सेफ्टी गाइडलाइंस क्या हैं, बिल्डिंग बायलॉज में हमें जो मैप सैंक्शन होते हैं उसका कंप्लायंस कैसे हो रहा है, और एक टाइम बाउंड समय सीमा के अंदर 3 या 4 महीने के अंदर पूरे राज्य का जो एक सेफ्टी फायर सेफ्टी ऑडिट करा करके एक हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, ये कोर्ट का कहना है। वो 3 दिनों के अंदर दो घटना वहाँ पर घटा, एक में 5 और फिर अगले में करीब 14 लोगों की बहुत मृत्यु होगी, जो बहुत अफसोसजनक है, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो हमने भी संपर्क किया है जिला प्रशासन से, तो डिप्टी कमिश्नर धनबाद ने अपने दो ऑर्डर से एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दिया है जो इसके घटना का पूरा कारण, क्या गाइडलाइंस से सेफ्टी हैजार्ड्स बाइलॉज फुलफिल किए गए थे कि नहीं, फायर सेफ्टी हैजार्ड्स का जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो किया गया था कि नहीं, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और उस बिल्डिंग को कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है कि नहीं उस पर भी एक असेसमेंट करने के लिए एक दूसरी कमेटी बनी है, और कोर्ट में हम लोग इस रिपोर्ट को दाखिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे म्यूनिसिपल बॉडीज़ पूरे राज्य में अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनके तहत जो मैप सैंक्शन होते हैं और जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उस अर्बन विभाग को जो है उसमें एक एफिडेविट हम लोग को करना है ये बताते हुए कि क्या हमारे सेफ्टी गाइडलाइंस क्या हैं, बिल्डिंग बायलॉज में हमें जो मैप सैंक्शन होते हैं उसका कंप्लायंस कैसे हो रहा है, और एक टाइम बाउंड समय सीमा के अंदर 3 या 4 महीने के अंदर पूरे राज्य का जो एक सेफ्टी फायर सेफ्टी ऑडिट करा करके एक हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, ये कोर्ट का कहना है। सर अगली सुनवाई 17 फरवरी, अगली सुनवाई इसकी 17 फरवरी को होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।